May I come in, sir? The shift line. हाँ हाँ और आज तो अभी तशरीफ आप भी किस वक्त है सर? आज मैं अपने टाइम पर 5 मिनट पहले आ गई। अच्छा जी सर, क्या कर रहे हैं हर वक्त तुसाई में रुखे रुखे रहते और रुखे रुखे रहते हैं ओके ओके रहते हैं, क्या कर रहे हैं सर? ताको से पता है मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ कितनी हैं। मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मेरे भाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कोई मैं खिदमत कर सकता हूँ कहीं? सर तुसा बस दुआ कर देता करो, सुने बुजुर्गों की दुआओं में बड़ा असर होता है। बुजुर्ग कौन? बुजुर्ग कोई बुजुर्ग कह रहे सर? इज्जत एहतराम इच बड़ियां को बुजुर्ग ही आते हैं। अच्छा चलो छोड़ो इन्हें गाली को, शाम को कहीं अच्छे दिन रेस्टोरेंट चलते हैं हाई टी करेंगे। सॉरी सर, ना कोई हाई टी ते ना कोई डिनर, ताको ते पता है मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। कोई अहम काम है ते ओ मैं को दसो। ठीक है विनय सो, मैं को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी की मैं पता है कौन तरह काम करे। जी सर, मैं अपनी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट ताको दे देंगे। संगल मार के गया कर घर बद के गया कर चैन नहीं आता घर च। और चल उत्ते उत्ते थी पो उठी उठी शाबाश। मैं नहीं चाह सकता तेकू आराम क्यों नहीं आता? सौ फिर समझाया तेको नन की लिखा मैं वाल जल्ले देखो उठी के बैर भाज पोंदे सट्टा खा के आवें दे। और मैं क्या करा, मैं को खड़ में जवेरिया को सा देना अनंद्रू मोबाइल कौन चाह दे बेटा? तू तू इत ही बहु तू ना मन हूं बल के नवेंदा पी बिल मेरी एक महीने की तनख्वाह के बराबर है। हाँ। हेलो जी अबू, के अबू के थी है? मैं हुने आ रही हूँ अबू। क्या थी है? मैं 10 मिनट अच्छा आ रही हूँ। कोई गाल ते डास चोट लगी है। मैं उन्दे कोलो परमिशन घेना। क्या? कुछ और लगी?
मैं तो दसे था बे डिसिप्लिन के मामले में कितना सख्त हूं। राशिद को गाल का पता है पिया, अपने दफ्तर में बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सर तो को दसण आया तो सब फोन पे गाल करें दे पे आवे। एक तमाशा बनाया है ने, जेड़े दिला के आ गया जिले दिला के चला गया। सर जवेरा बीबी ते राशिद को ही आरडी समझ दिए। मेरी तरफ बंजन जहन्नम में इकट्ठे गए या अंजुन, मैं कोई नाल गर्ज कह नहीं। कल आवाडे राशिद को मौन की क्लास गिनना, क्या समझाया आपने आप को? ई दफ्तर जवेरिया को हूं दे आके ते सर क्या इनका मतलब ये कोई नहीं कि जवेरिया हूं दी बात है ते मैं आरडी कड़ी चाहिदा। मैं को सर लगदे इने दा आपते कोई चक्कर है। की जे चक्कर? वही सर लैला मजनू आदा। लैला मजनू तेको रोज छुट्टे चाहिए, रोज तक कोई काम है, रोज तेरी सास बीमार है, ये काम ना चल सी। मेजदा हालत नहीं ठीक, कदे सफाई का काम ही कर दी, तेरी ड्यूटी एक शामिल है। उन्हें तो जल्दी नहीं सारी कवड़ मेरे उते काट के। परेशान ना थी ओए अच्छा भाई अच्छा। तू एक गाली चला मैं को गेंद के तू मर से तू बच्चे उन्हें धक मार के मरसी मार या छलांग मार। मारा दरक मार अजे रोज रोज तक जेड़ा तो मुका क्यों दिल दुखांदे हो मतलब मैं दा जेड़ा दिल दुखया है सारी रात तेरी फिकर जगाई रखती है ते सारी नी मारे पागल मेरा सिर खाव है। अबू ओ ते बेचारा मासूम है बस तू सारा समझदार हो तू सते ही ना आखो क्या थियो क्या थियो तू ओ मेरी जानी ले आ टोपी ले आ मैं घेन आया टोपी तेरे हाथ से अपने शहजादे को मैं बहुत सारी सेवा गिना के अच्छा चल कोई मैं हूँ दवाई ला देता ठीक है। हाँ कोई गल मैं अपने सोने को छेवा गिना देता ठीक है। मैं गड्डी से खेल के बैठा जीप से और शहर को चल सूँ है। चल 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 आराम आराम कोई नहीं कोई नहीं कोई हाँ भाई शाबाश ना
चाचा जी इन्हें परेशान थींदे रहे हो मेरे को सर गिनो केड़ा मेरा घर दूर है दो कदम ते दो मील ते तक कोई नहीं ओ पुत्र तक दसया ते हम जवेरिया दे दफ्तर दा कुलीग आ गया है राशिद उंदी कार ते शहजादे को डॉक्टर कोल घेन गई है बाल रोंदा मुंह पे आई पता नहीं हुन केड़े वेले आ सी उन्हें शाम को मेहंदी ते आवणे वे जरूरी है पुत्र दसा दे सामना नहीं भेजने अम्मा और याद पे अन के मेरी सिख दे लोने दी धी दी मेहंदी है ते जवेरिया दा आवणा बहुत जरूरी है ओहो आसी बाबा आसी क्यों ना आसी बल्कि उन्हें ना बरात ते आवणे वे ओको कह एक छुट्टी कर गिन सी छुट्टी हां शमीम दी बरात जो देखनी थी करे सी छुट्टी बल्कि नहीं ओना होवे शहजादे दा बहाना करके बैठी रहवे ते बरात ते ना आवे उंदा आवणा बहुत जरूरी है वे ओए पुत्र आ वैसी आधा जो पे आऊं को आमण त दे हां दे नाल मैं ओकु सनिया दे दे सा जरूर आसी अपना अगर कोई बंदा ना होवे ना सो मैं को सारी गेना मैं घेनी वेसा दे वाल छोड़ी वेसा पुत्र आ वैसी तू इत्मीनान रख मैं गुलदा बन जाऊं अल्लाह हाफिज याद ने लाख लिया असा कोई जवेरी दे दुश्मन कह नहीं असा उन्हें कजन है लेकिन जी घर पे उड़ानी पई उन्दे तो सारे भी ता हक है देख नौरीन खुदा उनको सलामत रखे लेकिन वो तो खुद दे मदद दे लायक है और जवेरी दी क्या मदद करे से ओहो देखो एक घर दा मसला है ते अब्बू बैठे ना अंकल बैठे ना वो ये सारा मसला सॉल्व कर गए से तो आपको इतना झेड़ा करने दे कोई लोड़ कोई नहीं मैं ते इनको समझा के थक गया कहीं दे घर दे हालात देखने चाहिए खुदा ना खासा एक घर दे हालात साढ़े जमे ना हाँ हाँ रोज अल्लाह ना करे अल्लाह किसे दे भी ये मुसीबत ना घिरा दे दुआ करो ते खैर गाल की थी करो तुसे सारे हालात बहुत खराब ही थी मने ता सा कहीं मकान ते ना जायज कब्जा थोड़ी करे सो ओ बाबा देखो ना कोई मकान ते कब्जा करेदा पे ना कब्जा थी सकदे ए मकान जेदा जेदा है जड़ा हिस्सेदार हो उको अपना हिस्सा मिलसी ते इंशाल्लाह ए इस तरह दी घर घरा च नहीं होंदी बुजुर्ग बैठे ना वो ये फैसला कर गिन था तो सा क्यों ही खामा खा झेड़ा बने नौरीन देखने खुद घर सी गई है उन्हें ना झेड़ा ही पा गया तो सा झेड़ा नहीं करना एक फैमिली मैटर है ते को इंशाल्लाह बुजुर्ग सॉल्व कर दिन से ते आप किसी चीज में झेड़ा नहीं करना राशिद देवे जवेरिया दे करीबी रह गए वे तो थोड़े ऑफिस में काम करेंगे क्योंकि कितना मुश्किल है घर का गुजारा करेंगे ते जवेरिया आज बहुत मेहनती लड़की है मेरी कुलीग है ते वो इस चीज की हकदार है ते तुसा ही थोड़ी जी खुदा खौफी करो सबर दे नाल रह के घर च बह के सारे फैसले थी वे सन उदी शादी थी वे सी वो अपने घर चली वे सी तुहाडा हिस्सा तुहाको मिल वे सी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर ये सारी सी सीवी जी तशरीफ करो थैंक यू सर तुम्हारी चाहिशा क्या होने? मैं सर। तुम्हारी क्वालिफिकेशन? जी सर, MBA की थे तेरे फिनांस स्पेशल। 3 साल की थे? जी सर, 3 साल। क्या करना चाहते हो उसमें? सर फिनांस डिपार्टमेंट में चाहते हैं। तुम्हारे ताल्लुक प्रॉपर मुल्तान में है, अगर आउट ऑफ स्टेशन में ना मिलेगा। जी सर, कोई प्रोजेक्ट हुए तो मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक। तो सर? मैं। तो सर BCom की थे? जी। परसेंटेज तो अच्छी है अकाउंट से तुसा काम करना चाहते हो ताल्लुक प्रॉपर मुल्तान नाल या मुल्तान घर से कितने अफराद हुए चार अफराद हैं एक भाभी दो भाई तीन हैं तुसा तो डिजर्व कर रहे हो और क्वालिफिकेशन बी का कांटेक्ट टेक तुम्हारी हॉबीज क्या हैं जी आयशा सर हॉबीज किताबें पढ़ना म्यूजिक सुनना जी तुसा ही करो अपनी सीवी मेरे पीए को जमा करा रहे हो असा जल्दी तो कंफर्म कर दे थैंक यू सर
आओ आओ पुत्र आओ, मेरे धिया ने आज बड़े दिया बात चक्कर लाए, आओ बाबू इत बाबू बाबू। अंकल तोड़ी तबीयत की है? बस पुत्र हयाती दे दिहाड़े पूरे करें दा प्या, सोचा आई एक पुत्र बुढ़ेपे का सहारा बन सी, बस अल्लाह दी मर्जी। अंकल जी ये सब क्या सहारे से, नीना को तो खुद एक सहारे की जरूरत है। चले सारा तालो की त्रोड़ दिता आवे वल हुन हाँ साड़न क्यों आ गई। मैं तो इनको समझा समझाते थक गई हाँ, पता नहीं इन्हें दिल से इतनी नफरत क्यों है। मेरा शहजादा था दुनिया का सब तू चंगा ते सोना पुत्र है। ठीक तो सादे पियो के औलाद जियो जियो वे माँ प्यो वास्ते उस तो वध के कोई चीज नहीं हो सकती। पुत्र जवेरिया दफ्तर गई हुई है, जब मैं तारीख कि तो कुछ चाह पानी का बंदोबस्त करा हाँ। ऐसा कोई था चाह पानी पीवर नहीं आए। जी जी अंकल ऐसा तारीख तभी अधिक बारे पूछना है। चंगा की तरह पुत्र मैं लाई बड़ा हाँ करें दाई, बड़ा दिल करें दाई तो आपको देखने की थे। चलो आ गए अबे अल्लाह तो खुश रखे। बस तो ससा कोई ना सो के घर कदर खाली करें दे पैवे। ये क्या आदि पई है पुत्र, मैं तेरे सामने फाले जच पे हाँ। पुत्र मेरे दा ये हाल है, अब कितना वैसू ना रो मेरे भाई ना रो, तू सकी थी कहना वैसो थे ही रासो, हौसला रख ना मेरा बच्चा। ना 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 पुत्र ना, बहनिया बहनिया ना नौरीन आखिर ते अभी कमिंगी दिखा रही थी है ना, मेरी लक समझावण दे बावजूद तू वती गल कर रही थी। तू शहजादे दी हरकतां नाल देख उंदा दिल देख, खुल जिंदा उंदा दिल है, उंदे दिल कितनी मोहब्बत है। शहजादे ना रो, इत्थे तक कोई नहीं कर सकता। ए कौन ओदी कढ़न वाली, मैं अपने अम्मी अबू नाल गल करे सा। ओदी अबड़ा फट लई है तो मेरी तो खैर है, तू मेरे शहजादे पुत्र को रुआ दी ना मेरी जान। ना रो ना रो ना रो। अंकल मैं तोड़े को माफी मंगती हाँ, नौरीन ते रिश्ते नाते सारे भूल गई है, इन्हें खून सफेद हो गए। माँ जी तू इन्हें इतनी साइड क्यों गिनते हुए ही वास्ते के वो साढ़े अंकल है, बचपन तू उन्हें साड़ी अक्सा को अपनी औलाद अली कर पा लिए, तो उन्हें अपनी औलाद है तो साढ़े कोई फर्क नहीं समझिया। ओ पुत्र वेले वेले दी गाल है, तुसे पहले ही मैं कहूँ अपनी औलाद अली का प्यारे हाँ हूँ भी हो बस मेरा बच्चा। अंकल प्लीज मैं माफ चा करो, शहजादा ना रो, मैं तेरे वास्ते चॉकलेट बिस्किट तेरी पसंद की हर चीज़ घेना सा, मत रो मेरा बिरा। अच्छा अंकल हूँ इजाजत दियो, नौरीन की वजह करके तोड़े दिल दुखी है, मैं तोड़े को माफ़ी मांगती हूँ। हाँ हाँ शहजादे तेरा दिल दुखी है, मैं तेरे को आखिया नहीं मैं तेरे वास्ते चीज़ा घेना सा। अच्छा हूँ तू सब कुछ भूल बन। वालेकुम अस्सलाम। आओ गुला बिरा बाबू। क्या हाल है भाई फतेह मोहम्मद तबीयत दा? बस बिरा हयाती दे दिहाड़े पूरे करन दे वदे हैं। भाई फतेह मोहम्मद भाई उसी दी गल ना कीती करो, इंशाल्लाह मेरे सोने रब ने चाहा तू सब ठीक थी वैसी, और तू सब ठीक थी वैसो। जी मेरे पुत्र चाचे की तो चाह पानी का बंदोबस्त करो ना। मेरा पुत्र मैं घरों चाह पी के आया, तो बह मेरा पुत्र बह। मैं पता ये करना आया जो शहजादे पुत्र का क्या सोचे, अगर तुसा इको संभाल नहीं सकते तो बल मैं कोई रिश्ता भी कबूल कोई नहीं। अब्दुल्ला बिरा मेरी हालत है तू देदा पई, मेरा कोई पता नहीं मैं आज हाँ कल ना होवा। शहजादे का ख्याल
जवेरिया ही रख लेंदी है, इहो ही रख सकती है। ते ए शहजादा जवेरिया दे नाल वैसी। अंकल ताकू राशिद ने दस्या क्या नहीं, मैं जिथा भी वैसा शहजादा मेरे नाल वैसी। मेरे भैया तू चुप कर गया। बस बच्चू बस। मेरे बच्चा तू जज्बात ही रहती। ठीक है कोई दाल नहीं, अगर रल मिल के अपने पुत्र का ध्यान रखे तू है। मैं तेरे लिए खेड़ कर रहा था पुत्र है, ठीक है ना। बस बस मेरी जान, बस बस मैं कहना मैं मेहरबानी वीरा, बहुत शुक्रिया। शहजादा कितना खुश है, तुसा भी खुश रहा करो। राशिद को इतनी चीजें दिलाए हैं। वाली कमले का क्या एतबार, झटे कुछ की दिख रहा होंगे झटे कुछ। हाँ तो दिशान आया आई उनकी भेण की मेहंदी है, तक सदे में चली बनने को। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे वालिद साहब हैं, मेरा भरा है प्या। यार सवा नौ ठीक है, मिस जवेरिया नहीं आई? नहीं सर, अली कह नहीं आया यार। मैं तो अपनी गड्डी ते आना, ते मैं
इतना 9 बजे पुजवे ना तो वो तो मेरे को 10-15 मिनट पहले आ गई थी। सर 9:15 अपनी सीट पे आवे हैं। सर कल खैर थे तू सा जवेरा बीबी इकट्ठे गए आवे। हाँ खैर है। क्यों वो आरडी से पूछ दे बयान तो मैं कि मैं को नहीं पता। आरडी साहब? आरडी साहब क्या पूछ दे पैन? अच्छा चल चल बन मैं सफाई खत्म कर ते अपना काम करो। मैं ये किताब ये पढ़ाई ये डिग्री एफए बीए मैट्रिक कोई फायदा नहीं। जमाने सिर्फ एक खूबसूरत लड़की देखी मिली है। थक गई हूँ लोगों की बातें सुन सुन के। मेरी जिम्मेदारी मेरा फर्ज सिर्फ है कि है अपने भरा को तो अपने वालिद को संभालना। तंग आ गई हूँ मैं। दफ्तर दी कुर्सी होवे या सिलाई मशीन दी हथी दुआ बराबर है। कमा घिनसा जवेरिया पुत्र अखीर तो अंडे जींदी रहो पुत्र। एक तो मेरे को तेरी समझ नहीं आती। दफ्तर दरखास्त देनी है चक्कर लेनी है नौकरी लभदी है तो महीना दो महीना करके छोड़ देनी है बल नवी नौकरी की तलाश निकल करनी है। हूँ नौकरी नहीं करनी अबू। हूँ मैं भी लोगों की गुलामी कर कर थक गई हाँ। हूँ बस ठीक गई है मेरी। वो पुत्र तू हर फेरी यो कुछ दहा दी है। हूँ तक 10 नौकरियां कर चुकी है। दहा करके देना हूँ बस। वो पुत्र वाले घर की मैं चल सी। मैं अपनी जान तू बेजार हाँ। मेरे हड्डिया दम को नहीं भिरा तेरा कम लै ते कितों तक कमा के आन खवे सी। ट्यूशन पढ़ा घिनसा कपड़े सिलाई कर घिनसा लेकिन रासा घरे च जीशान तो 100 फेरी आ चुके थे को उन्हें कपड़े सी दिता कर इरा बड़ा कारोबार है उनका। हूँ यह सोचा है जीशान की बोतीक है उन्हें कपड़े स्टिच करे सा। अच्छा चलो ठीक है जो दफ्तर नहीं भी बनना ना तो वाल कल बरात से जरूर चली बनी। मैं दे जिते कोई कम लेने नहीं बहन दिता। ठीक है बरात से जरूर चली बनी। शहजादा हूँ तक जागे नहीं मैं चेक करके चल दे। अल्लाह खैर करे कितने शहजादी की तबीयत खराब ना हो। सर खैर थे जवेरा बीबी के बगैर ना दफ्तर रौना क्या नहीं है। वो सर मेरा मतलब है कि जवेरा बीबी बहू अच्छी है तो दफ्तर सारे ना प्यार खिलाफ ना गाल करें। हाँ हाँ बहू अच्छी है। सर तो आरडी साहब से लेने पर तो आते 10 मिनट मेरे दफ्तर चाह बनो। आरडी साहब चलो ठीक है मैं चला वे सर। आज मेरा भरा कितना माशाल्लाह सोना लगता पे इको देखो। ना ना मैं अपने नाल गिन के बैसा। सोना भी है अल्लाह ने हर फेर ही चंगे दी तन 75 कमला जो थे।
अबू मैं ही गुनाल घिन के वैसा मैं तेको आ गया हां चल 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 आराम में ना आराम में ना मेरा फिर आ रहा हूं मेरे धीरे देवी नसीब अच्छे कर अल्लाह इनकी बरादरी अपनी मेरी नसीब करे केड़ा दिहाड़ा हाँ जी राशि साहब क्या गल थी ना बहन सच्ची जी कोई गाल कोई नहीं असर दुए अच्छे कुलीग है ते ज्वेरिया एक इज्जतदार लड़की है मैं उधर सीनियर हूँ सर लेकिन ऑफिस से तो बिया गाल थी ना बहन तो सर दुआएं दे मतलब सर मैं किसी की जबान ते नहीं पकड़ सकता कूड़ मरे दे पैन तो आधा तो ज्वेरिया का कोई चक्कर कहना प्लीज सर मेरा कहने का मकसद है कोई अफेयर कोई लव सर मैं फजूल सवालों का जवाब देवण का पाबंद नहीं मैं आई को सर जज्बाती ना थियो बहुत मेरा आखण का मकसद है बहुत ना तुसा मेरा आखण का मकसद है ऑफिस डिसिप्लिन का मामला है तुसा जवेरिया को खुद समझा रहे हो बगैर बास की इजाजत दे छुट्टी करना मुनासिब कोई नहीं सर जी मैं तो आपको पहले दस चुका तुसा को तो पता है पिया वो कोई दस रहे जवेरिया को समझा रहे हो कि दफ्तर के कोई रूल्स होंगे कोई डिसिप्लिन होंगे उनकी पाबंदी करनी होगी ठीक है सर अल्लाह हाफिज जल्दी करो किड़ा शहजादे को गिन के वंडने आउटिंग आस्ते ते ये के अंकल ही बोर थी वेंदन घर पे पे उनको गिदिया से जल्दी चलूं ते अबू दे ना आसेन अच्छा बाबा अगर अबू नहीं आंदे पे तू शहजादे को तैयार करके गिदिया चेती कर चलो शहजादे अस्सलाम वालेकुम मैं अंदर नहीं आना तू छेती कराओ चलो छेती करो बंजू आसिया बहन इदा गुस्सा केड़ी गाल दे है तू बह के आराम से गाल कर ना ना बावणा नहीं खड़े खड़े गाल कर दिए बल्कि गाल करनी नहीं गाल समझावनी है समझावनी चल बल समझा मैं को क्या है मैं नहीं फतेह शेर बिरा तुसा मेको समझावनी है ए जवेरिया ते राशिद दा क्या रिश्ता है कमला क्यों कमला कोई नहीं मेरा बरात तो बहुत अच्छा है एक Like.
राशिद तेरे दरमियान जो चलता पे ना मेरे सब मालूम है राशिद तेरे भाई ना बहुत ज्यादा प्यार करे अपनी जान तो ज्यादा अजीज समझते जाहिर है जवेरिया की जेडी शय अपनी जान तो ज्यादा अजीज है मेरे को भी अपनी जान तो ज्यादा अजीज है ई वास्ते मैं तेरे ना गाल करना जरूरी समझे हां हां मेरे को पता है गाल क्या है मेरे को क्यों इधर सड है आखिर गाल के है राशिद के अबू ने मेरे अबू ना गाल की थी राशिद मंगनी के बारे में क्या मतलब एक किमे थी सकता है अरूज हां मेरे को पता है कि मेरे अबू ते अरूज दे अबू बहुत पुराने दोस्त हैं तो आपस इस गल कर गिन चले और क्या थी से ए ते वल बहुत बुरा थी है जवेरिया तुम्हें को इतना खुदगर समझदी मैं कि तू सर उदे दरमियान में आसा ए सब तो अच्छी गल है कि राशिद तेरे भाई नाल बहुत ज्यादा प्यार करना और किनी खुद ना कहना समझ से अरूज मैं केड़े मुंह नाल तेरा शुक्रिया अदा करा मेरी बहन बहुत शुक्रिया तेरा यकीन कर अरूज तू कुर्बानी दी मिसाल कायम करदी और अजीम थी गई मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता मेरे ते तो जवेरिया ते तू बहुत बड़ा एहसान की थी कल कुर्बानी दी कोई नहीं कल एहसास दिए लोगों ने मोहब्बत दी है देख रोज तू मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त थी बट आज तू मेरी बहुत बेहतरीन मोहसिन बन गई मैं तेरा किवें शुक्रिया अदा करा मैं तो सदू ते एहसान नहीं किया मैं अपने आप ते एहसान किए कि अधूरी जिंदगी तू बेहतर है कि इंसान लातल की देख रोज आज तू एक दोस्ती का फर्ज अदा कर देता है अगर तू ना करें तो पछतावे पछतावे जवेरिया तू क्यों रोंदी है तेरे हिस्से दे सारे पछतावे मैं अपनी झोलिए सर छोड़िए रोना नहीं है बस मैं तेरा शुक्रिया किवें अदा करा मेरे को समझ नहीं आ रहा बस मेरी एक शर्त है क्या अरुण दास राशिद भाई मेरी तरह शर्त है कि तू सार जवेरिया का जवेरिया भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे सो और कि जवेरिया के भाई को अलहदा अपने आप तो कोई ना करे सो इंशाल्लाह करी मेहरबानी उसी मेरे तो एहसान हो सी हाँ रूज मैं हमेशा इन्होंने डूआ के नाल वफा करे सा ते अपनी जान को ज़्यादा अजीज रखे सा ते जिवें हूँ प्यार करे ना बाद भी मैं इवें इन्हों प्यार करे सा एक शहजादा भी मेरा भरा है मेरे को बहुत मुहब्बत है इंशाल्लाह मैं कभी शिकायत का मौका ना आने हूं तो बस ठीक है तेरी शर्त पूरी ठीक खुश है मैं हूं तक के आखा मेरी इतनी डिग्री है पई इतनी तालीम है पई पर मैं किवें स्टिचिंग का काम कर सकनी है ये मेरा स्टैंडर्ड है पया देख मेरी गल सुन तालीम की अहमियत अपनी जाती पर मेहनत इज भी कोई मेला नहीं मैं भी कोई पूछता कि मैं वाली तक जवाब दे सा ਕਿੱਥੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅਬੂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀ ਪਿਓ ਕਨੇ ਡੂ ਘੜਿਆ ਬਹਿ ਵਜੀ ਕਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਅਬੂ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਸੋਚੇ ਬਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਓਹੋ ਅਬੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਅਸਾਂ ਤੇ ਦਾਹ ਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਗ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣ ਆਉਂ ਅਬੂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹਰਜੇ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਾਬ ਦਾ ਹੈ ਦੇਖ
तू अपने काम कार से चला वैसे जवेरिए काम से टोर वैसी तो मैं भला कला हूं कि सब ले सब मेरे बुले गल भी मेरी गल सुनो एक दफा जवेरिया तो उन्हें प्यू नाल गाल करें क्या हर्ज है अच्छा अबू जिवें थोड़ी मर्जी तुसा मिल गिनो गाल कर गिनो कोई हर्ज नहीं इस गल चलो ठीक है देख इंसान तो देख तू हूँ मेरा भी ना बैठ तो पुत्र ही करे सें टाइम नाल घर आवे ठीक है ठीक है अबू मैं आवे सा हाँ इंशाल्लाह ओके अल्लाह हाफिज अकल एक गाल बस पुत्र खुल के गाल कर इना बुझाता थी मैं कुछ समझ नहीं आती मैं आधा पिया मैं यार उन बोल ही सही राशिद अकल मैं जवेरिया नाल शादी करना चाहना पुत्र पुत्र ये जेड़े राने है ना ये मेरी बुआ दी धी है बुआ दी धी आसिया ये मेरी सक्की भेड़ नी और वो इतनी दीद की थी है जो करी है कि ठेला किराया था इसी की तरह बड़ी गाल है बाबू जरा जवेरिया दी नौकरी नहीं होती राशन ही वो सटवा देती है सारे घर उसे बड़े एहसान है नेक खातून है यही नौकरी मुखी है जवेरिया दी तो जीशान अपनी बुटीक के कपड़े को सिलाई की दे वेंदे जंदे नाल सारा गुजारा चलदी ए तो बड़ी चंगी गल है आसिया दे पुत जीशान नाल मैं जबानी कलामी हां कर चुका हूं बस चार छह महीने च मैं शादी करके रुखसती कर दे अकल तुहाडे कीते ते शहजादे कीते आ अच्छा मैं को इजाजत दियो अच्छा पुत्र अल्लाह ते खुश रखे खुदा अल्लाह हाफिज कैसी तबीयत है अब्बा बस पुत्र अद्धी जान निकल गई है अद्धी कई वेले भी निकल वैसे ईवे क्यों आ दे अबू शहजादा संग है हाँ थोड़ी देर पहले लेटे सारी निहार चैन नहीं सी गिनन दिता मेरा भरा जल्दी ठीक थी वैसी अबा ओए पुत्र तू इने की ते परेशान थी मन छोड़ दे अपना ख्याल रखिया कर मेरा भरा अबा मैं को बहुत प्यारा है ओए पुत्र तू थकती ना इने गाल ही तू इने हरकता तू ए मेरे किते एक तवीस आली गार है अबू ए मेरा अपने आप नाल वादा है ए जदा भी रोसी मैं इंदी एक एक हंज पुजे सा